हेलो एवरीवन, मैं भारत जैन आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 9 हाइपरबोलिक फंक्शन। राइट, तो गाइज, हाइपरबोलिक फंक्शन को समझने से पहले आपको सर्कुलर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, और अगर आपको सर्कुलर फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो जल्दी हमारी एक सर्कुलर फंक्शन पे भी एक वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाएगा, जिसकी मदद से आप हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में और गहराई से समझ पाओगे। तो यार, हाइपरबोलिक फंक्शन आखिर होता क्या है? अब मैं आपको यहाँ पे सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन दोनों फंक्शन के अंदर डिफरेंस क्लियर करूंगा आपका, कि हाइपरबोलिक फंक्शन को हम किस तरह समझे और जो हमारे पास सर्कुलर फंक्शन है उसको हम किस तरह से समझे। तो यार, कुछ बात हम यूं करेंगे कि यार, आपने देखा होगा कि जो आपका हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक के नाम से आपको पता चल रहा होगा हाइपरबोला, ठीक है। दूसरी तरफ मैं इस साइड ले लेता हूं सर्कुलर फंक्शन, तो इससे आप क्या समझोगे? सर्कुलर फंक्शन का मतलब है यहां पे सर्कल। और आपको पता है, जैसे आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में पढ़ा था कि सर्कल और हाइपरबोला में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट बात नहीं है सर्कल, ये सर्कल है और ये आपका, ये हाइपरबोला हो सकता है और ये हाइपरबोला हो सकता है, दैट्स योर हाइपरबोला एंड सर्कल। अब आपने हाइपरबोला और सर्कल की दो अलग अलग इक्वेशन पढ़ी होगी, इसकी कोई इक्वेशन अलग थी, इसकी इक्वेशन अलग थी, दोनों की इक्वेशन अलग अलग थी। अब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कि अगर इस सर्कल की इक्वेशन में फिट बैठता हो, सर्कल की इक्वेशन में अगर फिट हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर फंक्शन, राइट। अगर वो फंक्शन हाइपरबोला की इक्वेशन में सेटिस्फाइड हो या फिट हो तो उसे हम कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। कुछ इसी के बारे में अब हम आज हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द हाइपरबोलिक फंक्शन एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर द हाइपरबोलिक फंक्शन एंड व्हाट आर द जनरल फॉर्मूलाज फॉर द हाइपरबोलिक फंक्शन। आने वाले वीडियो लेक्चर में, यानी इसका जो सेकंड एपिसोड आएगा उसके अंदर आपको हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज, आपकी दो एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से, उन दोनों एक्सरसाइज को हम एक वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हमने अब अपना जो गोल है वो एग्जाम की तरफ फोकस करते हुए रखा है। तो मैं आपको वन शॉट दूंगा उस लेक्चर का, यानी कि वन शॉट का मतलब है आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर मिलेगा। इंट्रोडक्शन तो अलग होना चाहिए भाई, इंट्रोडक्शन के बिना आप कैसे समझोगे? तो आपका इंट्रोडक्शन अलग होगा और इंट्रोडक्शन समझने के बाद आपका एडवांस लेवल, यानी कि आप एक ही वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। और यार, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा पूरा फायदा उठा सके। और यार, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे मैं अपनी जो भी अपकमिंग वीडियो सीरीज होती है या जो मेरी प्रोफाइल्स होती है उनको मैं वहां पे रेगुलर शेयर करता रहता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यूजर आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वरना आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी, राइट। तो मैं इस सारी चीजें को रख कर देता हूं। अब मैं बात करूंगा ओनली ओनली हाइपरबोलिक फंक्शन से, सर्कुलर फंक्शन की अलग से एक वीडियो आएगी आपके लिए। अब मैं आपको हाइपरबोलिक फंक्शन से पहले, जो आपने सर्कुलर फंक्शन में कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला था वो आपका? आपने साइन थीटा और कोस थीटा का जनरल फॉर्मूला पढ़ा होगा इन द टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ रही हो? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहना चाह रहा हूं मैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन विच हैविंग द वैल्यू और पावर इन द टर्म ऑफ ई, जिस फंक्शन में ई की टर्म में कोई पावर हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन समथिंग हो जिसमें ई लाई करता हो, ठीक है। तो ई एक्स हो गया आपका यहाँ पे, तो जो ई एक्स का होगा वो होगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपको साइन थीटा और कोस थीटा को सर्कुलर फंक्शन की टर्म में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म में राइट डाउन करना है, तो उसका मतलब क्या हुआ? आप किस तरह से लिखोगे? आपने ये फॉर्मूला आपको बुक की स्टार्टिंग में, या जो आपका चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग में आपको गिवन होगा ये फॉर्मूला, कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। e रेज टू पावर आयोटा थीटा, यहां पे मैं एक बार कोई साइन नहीं लिख रहा हूं, आयोटा थीटा अपॉन में 2। सिमिलर वे में आप यहां पे लिख लीजिए
हाँ जी, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्लस किस में आएगा माइनस किस में आएगा, सेम टर्म आपका यहाँ पे, ये तो है आपके सिंपल सर्कुलर फंक्शन, राइट। इसके साथ साथ मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन या हाइपरबोलिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म में लिख देता हूं। एक हाइपरबोलिक फंक्शन को डिफाइन करना है तो उसका पहले नोटेशन देखिएगा, साइन हाइपरबोलिक, एच का मतलब है हाइपरबोलिक थीटा, फिर आपको कोस हाइपरबोलिक थीटा, इनको भी डिफाइन करूंगा। बट इससे पहले आपको कुछ और भी बताऊंगा कि यहां पे जो हम एच लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है। एच का यहां पे जनरल मतलब है आयोटा, एंड एच थीटा इज योर आयोटा थीटा। ये बेसिक सी बात है जो कि आपको मैथमेटिकली नहीं प्रूव हो सकती, बट आप इसको रिवाइज करने के लिए या आप इसको लर्न कर सकते हो ताकि वो आपको सम में सॉल्व रहे। बट ये एक्चुअली ये होता नहीं है, ये मैंने आपको जस्ट लर्न करने के लिए बताया है, क्योंकि इसका एक्चुअली प्रूफ भी नहीं है एच आयोटा के इक्वल है। इसको हमें इस तरह समझना है कि जो ये एच है आपका वो आयोटा के इक्वल है, आपको मान के चलना है ताकि आपको सब में दिक्कत ना आए, उससे आपको अच्छा इंप्रूवमेंट भी मिलेगा। तो यहां पे आपका आएगा ई, अब आपको यहां पे एच की जगह आयोटा थीटा रखना है, ये हाँ दैट्स इज योर ट्रू, ये ट्रू है। एक्स की जगह अगर हम आयोटा थीटा पुट करेंगे दैट्स इज एक्यूरेटली करेक्ट। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आप एच की जगह यहां पे ये जो एच है, ये जो एच है इन पे यहां पे आयोटा थीटा, आप इसको मान के चल सकते हो, दैट्स योर क्वेश्चन। दूसरी बात मैं आपको यहां पे ये बताना चाहूंगा कि आप यहां पे कुछ इस तरह से समझिए इसको कि आप एक जनरल टर्म को डिफाइन कर रहे हो। यहां पे मैं पहले साइन बता रहा हूं आपको, यहां पे कौन कौन से प्लस माइनस आएगा, माइनस प्लस, ध्यान रखना साइन में हमेशा माइनस आएगा, कोस में प्लस आएगा। एक्यूरेटली यही फॉर्मूला होता है, आप कहीं पे भी कैसे भी चेक कर सकते हैं। अब आपको मैं एक और चीज बताऊंगा कि थीटा और जो कोई आपके पास अनदर टर्म है उसके बीच में रिलेशन कैसे निकाले। जो ये एच आयोटा थीटा बोल रहा हूं ये एच ये नहीं है हाइपरबोलिक वाला, ये एच आप कुछ इस तरह से मान के चलिए, इसको मैं एकदम एक्यूरेट कंडीशन दिख रहा हूं कि जो आपका थीटा है वो आयोटा वाई के इक्वल मान लीजिए, वाई आपके कोई टर्म है या एक्स के इक्वल मान लीजिए, चलो राइट। तो थीटा इज योर आयोटा एक्स, इस थीटा इज आप आयोटा एक्स रखेंगे या इस थीटा की यहां पे दोनों के टर्म को सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास यहां पे ये चीज आ जाएगी। तो आपके फॉर्मूले भी यहीं से बनेंगे, और वो फॉर्मूले क्या बनने वाले हैं वो भी मैं अभी आपको रिजल्टेंट वैल्यू में बता देता हूं। तो कोस एच थीटा, साइन एच थीटा यहां पे आपके पास, और नीचे आपके पास कोस एच थीटा है, तो वो आपके पास सिंपल सा ई थीटा, बीच में साइन नहीं लिख रहा मैं आपके लिए, हाँ जी एक चीज मिस कर दी यहां पे, टू आयोटा आएगा क्योंकि साइन थीटा है, सिंपल में आयोटा आएगा, ई थीटा ई माइनस थीटा ओवर टू, साइन वही रखने हैं कोस में प्लस साइन में माइनस। तो आपके इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सबसे पहले ये बनते हैं, इन फॉर्मूलों को अगर आप लर्न कर लेते हो तो आपका यानी कि मान के चलिए आपकी एक्सरसाइज 9.1 बिल्कुल क्लियर एंड शॉर्ट आउट हो जाएगी। अभी मैं इसी से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिससे आप और बेहतर समझ पाओगे। ये पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो इसमें मैं आपको फॉर्मूले बताने वाला हूं, और वो फॉर्मूले आपको इस ढंग से करवाने वाला हूं कि आपको एक्सरसाइज करने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं आपको एक्सरसाइज ना कराऊं फिर भी आप उस एक्सरसाइज को चुटकियों में सोल्व कर लेंगे, राइट। तो मैं आपके साथ कुछ फॉर्मूले शेयर करना चाहूंगा। तो जी आपको मैंने अभी बताया है साइन हाइपरबोलिक का फंक्शन का फॉर्मूला बताया था, यहां पे कोस हाइपरबोलिक का फंक्शन बताया था, फिर आपको टेन हाइपरबोलिक फंक्शन निकालना आना चाहिए, दैट्स योर साइन हाइपरबोलिक ओवर कोस हाइपरबोलिक ओवर कोस हाइपरबोलिक फंक्शन, एंड योर कोट हाइपरबोलिक That is one of your 10 hyperbolic function theta,
एंड सो ऑन वी कैन कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाइक सीकेंट हाइपरबोलिक दैट्स योर वन बाय कोस हाइपरबोलिक एंड योर कोसिकेंट हाइपरबोलिक दैट्स योर वन ओवर साइन हाइपरबोलिक। ये आपके यहाँ पे हाइपरबोलिक सारे आ जाएंगे बट आए किस तरह से वही आपको यहाँ पे देखना है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे सारे फॉर्मूले बताने वाला हूँ जिससे आपका ये बिल्कुल अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो साइन में क्या लिखना है आपको, ई थीटा माइनस ई माइनस थीटा ओवर टू, ई थीटा माइनस ई माइनस थीटा यहाँ पे प्लस आ जाएगा कोस में बस। टेन थीटा को अगर साइन थीटा से कोस थीटा से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट तो आपका आ जाएगा ई थीटा माइनस ई माइनस थीटा ओवर ई थीटा प्लस ई माइनस थीटा, राइट। सिमिलर वे में इसका अपोजिट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास ई थीटा प्लस ई माइनस थीटा ओवर ई थीटा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ई थीटा। सिमिलर वे में आपका यहाँ पे सीकेंट हाइपरबोलिक आ जाएगा, किसका अपोजिट है कोस का, कोस का अपोजिट करेंगे तो टू आपका ऊपर नीचे आपका आ जाएगा ई थीटा प्लस ई माइनस थीटा। सिमिलर वे में आपका ये आ जाएगा ई थीटा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस थीटा। ये आपका आ गया फॉर्मूला टेबल नंबर वन, इसको आप याद रख सकते हो। याद करने के लिए भी आपको एक शॉर्ट फॉर्म याद रखनी चाहिए, जैसे कि मैं भी आपको बताता हूं याद रखना, मैं इसको जल्दी से वाई आर यार, आप अपनी बुक में इसको वाई आर से भी दे सकते हो, दो नोटेशन में जल्दी मैं फॉलो करता हूं ऐसे ऐसे लिख के इसके ऊपर सर्कल कर दीजिए, मैं यही फॉलो करता हूं। यार का मतलब वाई का मतलब याद और आर का मतलब रखना, दैट्स इट। ये आपकी टेबल नंबर वन है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसके बिना आपका ये चैप्टर बिल्कुल बेकार है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, इन फॉर्मूलों के बाद आपके लिए कुछ नए फॉर्मूले और हैं, उन्हीं को भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो यार मैं इसको रफ कर देता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यार वीडियो को पॉज करके आप ले सकते हैं, वरना यार ये आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। और इसी के साथ साथ मैं यार बता दूं, जल्दी हमारी नई फैकल्टी टीम आपके साथ जुड़ेगी जो कि आपको फिजिक्स कराएगी, हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स तो आपकी चल ही रही है एंड जल्दी आपकी हायर एजुकेशनल फिजिक्स भी यहाँ पे चलने वाली है और केमिस्ट्री का भी अभी जल्दी हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, केमिस्ट्री की भी आपको वीडियो लेक्चर जल्दी मिलने लग जाएंगे। तो यार अब मैं आपके साथ कुछ और फॉर्मूले शेयर करूंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ जी, आपने कुछ जनरल ये सीखे होंगे, आप मेरे को ये बताइए साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, जनरल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आप साइन पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है, कोस पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है। सिमिलर वे में आप यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू निकाल सकते हो, कोस हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक पाई बाय टू की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे आप कोस हाइपरबोलिक पाई बाय टू की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपको भैया आप हमें ये बताइए कि इनकी वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी, तो ये ध्यान रखना ये दोनों हमेशा इक्वल होगी, इनकी वैल्यूज में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला, दैट्स योर इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट दीज आर इक्वल, नो दैट्स आर एक्यूरेटली इक्वल, साइन जीरो इज योर वन दैट्स ऑल्सो इज वन, एम आई राइट, साइन जीरो जीरो, जी हाँ आपका जो साइन जीरो है वो होता है जीरो एंड यूर कोस जीरो वन। इसी तरह आप यहां पे इसको फॉलो करोगे तो ये जीरो ये वन, सिमिलर वे में आप इनको रिपीट कर सकते हो। अब मैं आपको ये हमें कैसे पता चला, अब आपने इन लेक्चर को देखना पड़ेगा भाई आपको इनको, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है, शायद उसका नाम है टाइटल है इनवर्स हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री या हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, आपको स्क्रीन पे भी विजिबल होगी वीडियो थंबनेल और आपको वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं वीडियो और ऊपर जो आपको आई बटन दिखाई दे रहा है वहां से भी आप इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ यार आपको मैं एक और बात बता देता हूं कि अगर आपको कहीं पे भी कहीं कभी भी डाउट आए तो यार फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपके हर एक कमेंट की रिप्लाई देने की मैं 100% कोशिश करूंगा, राइट।
हाँ जी, अब मैं बढ़ता हूँ आगे। तो आगे बढ़ने से पहले यार मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इस एक्सरसाइज के नोट्स भी चाहिए यानी कि सॉल्यूशन चाहिए तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्दी आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा इन द पीडीएफ फॉर्म। राइट, अब मैं आपके साथ कुछ और फॉर्मूले डिस्कस करता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। अब आपको कहा जाए पीरियोडिसिटी, मैं इस फैक्ट को आपके साथ ज्यादा डिस्कस करना पसंद करूंगा। क्या आपको पता है कि पीरियोडिसिटी ऑफ कोस हाइपरबोलिक थीटा एंड साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये आपको पीरियोडिसिटी यहां पे प्रूव करनी है। तो यार पीरियोडिसिटी अल्टीमेटली होती क्या है? पीरियोडिसिटी का मतलब है भी हम इसमें कभी भी कुछ भी अंगल रखें इन द फॉर्म ऑफ 2πr iota, तो आपके पास सेम वैल्यू, आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू जनरल वैल्यू दोनों आ जाएगी, ये इसकी पीरियोडिसिटी है। अब मैं आपको बताता हूं, आपने एक साइन हाइपरबोलिक का करवा देता हूं तो आपको कोस का अपने आप पता चल जाएगा, दैट्स योर फॉर्मूला, एम आई राइट? यस और नो? यस। नाउ आपको अब हाइपरबोलिक थीटा की का आपको यहां पर रखना है थीटा प्लस 2πr iota, राइट? जैसे आप ये रखोगे तो जहां जहां पे आपको ये थीटा दिखाई दे रहा था उसकी जो पूरी आपको वैल्यू यहां पे पुट कर देनी है 1/2, और आप यहां पे क्या लिखोगे, थीटा प्लस 2πr iota माइनस ई, ये यहां पे मिस कर दिया था बट ध्यान रखना छोटी छोटी मिस्टेक ही हमें नंबर हमारे कटवाती है, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। राइट, अब आपको कुछ इस तरह से करना है कि जो ये 2πr iota है क्या चीज आखिरकार, इस चीज को फाइंड करना है। अब 2πr iota का जैसे ही हम फाइंड करने बैठेंगे तो उससे पहले आपके मन में सवाल आएगा, 2πr iota तो यार ये सुना हुआ है, बट इससे अब आप कहोगे ये तो हमें आता है। अगर मैं आपको कह दूं ये कि 2πr iota फाइंड आउट कीजिए तो आपको ये तो हमें आता है, तो यार आता है तो इसको सोल्व कीजिए ना। सिमिलर वे में आप इसको यहां पे -2πr iota भी यहां पे सोल्व कर सकते हैं, ये आपको आता है ऑलरेडी, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले एक स्टेप और हम लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं थीटा e की 2πr iota माइनस, यहां पे आप इसको लिख सकते हो e की माइनस थीटा इंटू e^(-2πr iota, यहां पे हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए, इन दोनों की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, यहां से सोल्व करेंगे। अब सोल्व कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसका मतलब है आपका, इसका मतलब देखिए भी, आपने इससे पहले एक चीज और सीखी होगी कि आप e की थीटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, cos थीटा, cos के आपके पास 2πr iota प्लस iota साइन 2πr iota, राइट? और ये आपकी वैल्यू है 1, क्यों? ये cos 2πr iota 1 है और ये इधर वाला 0, 1+0 दैट्स 1। सिमिलर वे में ये भी 1 आएगा क्योंकि इधर वाला यहां पे माइनस ही तो आएगा, माइनस आओ 0 नथिंग, तो यहां पे दोनों की वैल्यू 1 1 आएगी। तो जैसे ही 1 1 आया तो आपके ये क्या बन गया, दैट्स योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला, सेम ही आ गया भाई, ये लेके चले थे यही हमने प्रूव कर दिया, दैट्स योर पीरियोडिसिटी ऑफ साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक फंक्शन। ये समझ में आ गया? जैसे ही आपको ये समझ में आ गया अब आपको इस साथ मैं कुछ और फॉर्मूले डिस्कस कर लेता हूं। पीरियोडिसिटी आपके वैसे एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा बट आपको पता होना चाहिए भी पीरियोडिसिटी ये होती है कैसे है, क्योंकि सम एग्जाम्पल और क्वेश्चन में इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब मैं आपके साथ कुछ और फॉर्मूले डिस्कस करता हूं। आपने ये पढ़ा हुआ साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इज इक्वल्स टू 1, बट हाइपरबोलिक के केस में ऐसा नहीं होता, हाइपरबोलिक के केस में होता है कोस हाइपरबोलिक स्केयर थीटा ले लीजिए यहां पे माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर थीटा दैट्स इज 1। अब आप बाकी रिलेशन, अगर आपको ये एक रिलेशन याद है तो आप बाकी तीनों रिलेशन अपने आप ड्राइव कर सकते हो। अब आप कहोगे भैया कैसे,
यार आपको पता होगा मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, सेकंड वन शॉट था वो इन्वेस्ट ट्रिग्नोमेट्री में शायद, उसी मैंने आपको इसकी रिलेशन तीनों, इस एक रिलेशन से तीनों रिलेशन निकालनी बताई थी। सिमिलर वे में आपको यहाँ पे ये फॉलो करना है, कैसे अभी बताता हूँ। पहले केस में आप इसको कोस हाइपरबोलिक की स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो ये केस में होगा वन माइनस, ये आपका अगर टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, दैट इज योर सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, दैट इज वन रिलेशन नंबर टू। तीसरी रिलेशन में आप इसको किससे डिवाइड करोगे, साइन हाइपरबोलिक से, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, तो आपके पास सिमिलर वे में आपकी तीसरी रिलेशन आएगी, दैट्स योर टेन हाइपरबोलिक सॉरी कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। माइनस वन दैट्स इक्वल्स टू वन ओवर साइन, वन ओवर साइन इज योर कोसिकेंट हाइपरबोलिक थीटा, और इस रिलेशन को आप किस तरह से लिख सकते हो, कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, दैट्स इज वन, दैट्स योर रिलेशन नंबर थ्री। तीनों रिलेशन आपने इस एक रिलेशन से ड्राइव कर ली, तो आपको यार ये एक रिलेशन याद है तो आप ये बाकी रिलेशन भी अपने आप ड्राइव कर सकते हो। यही आज का जो मेन मकसद था कि आपको ये रिलेशन का भी पता चले, और अभी मैं आपके साथ जैसे आपने हम सर्कुलर फंक्शन में पढ़ते हैं साइन टू ए का फॉर्मूला, साइन थ्री ए का, और सिमिलर इसी रूप में हम और पढ़ेंगे, आपने टू साइन ए साइन बी का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन ए कोस बी का भी पढ़ा होगा, और टू साइन ए कोस ए का भी पढ़ा होगा, ये सारे फॉर्मूले यार मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो यार वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो यार आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और यार फेसबुक पे अगर आप अभी मेरे फ्रेंड नहीं हो तो फ्रेंड बन जाइए, क्योंकि वहां पे मैं अपनी वेबसाइट का सारा कंटेंट वहां पे सबसे पहले प्रोवाइड करवाता हूँ। तो यार अभी हम बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट फॉर्मूला टेबल नंबर टू है, टेबल नंबर टू, वो टेबल नंबर टू नहीं थी जो मैंने इससे पहले करवाया था, वो जर्नल था, क्योंकि वो तो रिलेशन है यार, रिलेशन नहीं, हमें टेबल ऑफ रिलेशन पढ़ना है, यानी कि हमें टेबल ऑफ फॉर्मूला पढ़ना है, तो अभी टेबल नंबर टू आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो यार अब अपनी टेबल नंबर टू यानी कि फॉर्मूला टेबल नंबर टू जिसे हमें याद रखना है, वो टेबल अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो वो फॉर्मूले कौन कौन से जो आपको याद रखने हैं, तो सबसे पहले उन्हीं के बारे में आपको बताता हूं। तो यार कुछ आपने ऐसे फॉर्मूले देखे होंगे, साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला पता होगा, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, सिमिलर वे में आपके पास यहाँ पे हाइपरबोलिक का फॉर्मूले आएंगे प्लस माइनस में, जैसे कि साइन हाइपरबोलिक यहाँ पे आप मान लीजिए फंक्शन आपको आपकी बुक के अनुसार ले चलते हैं, ए भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस राइट, तो ये आएगा, अगर आपके पास साइन ए प्लस बी हो तो आपके पास आएगा साइन ए हाइपरबोलिक ए सॉरी प्लस कोस हाइपरबोलिक ए सॉरी यार सॉरी साइन हाइपरबोलिक ए प्लस कोस इनटू कोस हाइपरबोलिक बी प्लस कोस हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी, ये होता है यार। अगर यहां पे माइनस आएगा तो यहां पे भी माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर वन। फॉर्मूला नंबर टू कोस हाइपरबोलिक ए प्लस माइनस बी, सिमिलर वे में इसी टाइप में इस यहाँ पे होने वाला, बट फॉर्मूला का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे दोनों कोस फिर दोनों साइन आएंगे, कोस हाइपरबोलिक ए इंटू कोस हाइपरबोलिक बी प्लस माइनस सिमिलर वे में यहीं पे रहने वाले हैं, और ये यहाँ पे बनेंगे साइन हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी राइट। सिमिलर वे में आपके पास यहाँ पे टेन में यही रहने वाला है इसी टाइप में, टेन हाइपरबोलिक ए प्लस माइनस बी, तो ये आएगा आपके पास टेन हाइपरबोलिक ए प्लस टेन हाइपरबोलिक बी वन प्लस टेन हाइपरबोलिक ए टेन हाइपरबोलिक बी, माइनस आएगा तो माइनस। ये है आपके टेबल नंबर टू जिसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूलों का आपका यूज
सिंपल सा यूज आपको एक्सरसाइज 9.1 में मिलेगा और इन्हीं के माध्यम से आपके सम यूं सॉल्व हो जाएंगे। तो यार ये फॉर्मूले याद करने आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इन फॉर्मूलों को जल्द से जल्द याद कर लीजिएगा यार, अभी याद कर लीजिए। अच्छा टेबल नंबर टू हो गई, अब टेबल नंबर थ्री, इनका प्रूफ भी मैं आपको जब आपके एग्जाम, मान लीजिए आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगे प्रूफ, बट आपको अगर सीखने हैं तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो इनका प्रूफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आपको इनका लेक्चर मिलेगा। टेबल नंबर थ्री राइट, अब हम बात करेंगे टेबल नंबर थ्री के बारे में। टेबल नंबर थ्री में आप कुछ और फॉर्मूले सीखोगे जो कि आपने साइन हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला बताऊंगा इसमें, एक तो आपको एक आपको कोस हाइपरबोलिक 2x का बताऊंगा और एक आपके पास टेन हाइपरबोलिक 2x का बताऊंगा। इतने फॉर्मूले मैं आपको टेबल नंबर थ्री में बताने वाला हूं। तो साइन हाइपरबोलिक 2x का आपको पता होगा 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कोस हाइपरबोलिक x, ये भी हो सकता है, और इसके साथ साथ इसका दूसरा फॉर्मूला भी है 2 tan हाइपरबोलिक x ओवर 1 प्लस tan हाइपरबोलिक x माइनस, सॉरी दैट्स इट राइट। अब हम बात करें cos हाइपरबोलिक की, cos हाइपरबोलिक में हमने सिंपल सा दिखा है cos x हाइपरबोलिक स्केयर x प्लस sin हाइपरबोलिक स्केयर x राइट, ये भी हो सकता है और इसके अलावा दूसरा हो सकता है वो कौन सा है, टू कोस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस वन एंड वन माइनस टू साइन हाइपरबोल साइन स्केयर हाइपरबोलिक एक्स। अल्सो ये एक और चीज के इक्वल हो सकता है, वो क्या है आपका यहाँ पे वन प्लस आएगा वही वन प्लस टू, और ये एक और चीज के इक्वल होता है वन प्लस टेन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। टेन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है 2 टेन हाइपरबोलिक एक्स ओवर 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स राइट। तो ये थे आपके टेबल नंबर थ्री के फॉर्मूले जो कि आपको याद रखने हैं। इन फॉर्मूले के यूज आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा भाई इनका यूज कहां पे होता है, आपको किस तरह से इनका यूज करना है। तो यार स्टे ट्यून, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फटाफट से अभी जाके फॉलो कर लीजिएगा यार, क्योंकि वहां पे अपकमिंग वीडियो सीरीज और जो हमारे आने वाले प्लान्स होते हैं, आने वाले कोर्सेज होते हैं, और साथ ही साथ मैं अपनी प्रोफाइल फोटोज भी वहां पे शेयर करता रहता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ यार सुपरनेट का क्रेश कोर्स भी आपको चल रहा है पता होगा, बट आप तो सुपरनेट के एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट जो पार्टिसिपेट करने के लायक है वो यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल फॉर सुपर 100 एग्जाम। उसमें आपको सुपर 100 से रिलेटेड हर अपडेट मिलती रहेगी एंड क्रैश कोर्स की जो बुक्स है वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है उस ग्रुप में, जो उस ग्रुप के मेंबर है उन्हीं को राइट। अब बात करूंगा मैं टेबल नंबर थ्री के बाद, अब हम बात करें टेबल नंबर फोर की। ये टेबल नंबर फोर आपके लिए समझिएगा महाभारत का एक काम करेगी, रामबाण है ये आपके लिए। आपने यार इनके बारे में पढ़ा होगा साइन हाइपरबोलिक 3x कोस हाइपरबोलिक 3x, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, मेरे से लिखवा लीजिएगा, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया ही आएगा आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले। इसको मान लीजिएगा भाई 100% इनमें से एक क्वेश्चन आने ही आना होता है और आएगा। आपने पढ़ा हुआ है 3 साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस 4 साइन, हाँ जी, अब आप यहां पे देखिएगा 4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स होता है, सिमिलर वे में यहां पे होगा, बट यहां पे चेंज क्या होने वाला है, आपका जो 4 कोस हाइपरबोलिक क्यूब एक्स आएगा, फिर आप क्या लिखोगे माइनस 3 कोस हाइपरबोलिक एक्स राइट। सिमिलर वे में आपके पास टेन हाइपरबोलिक का फंक्शन आएगा, वो होगा 3 टेन हाइपरबोलिक एक्स राइट, फिर आप उसमें लिख सकते हो प्लस टेन क्यूब हाइपरबोलिक एक्स। अब इसके ओवर में क्या आएगा वो, या प्लस में डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस 3 टेन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स राइट। तो ये थी आपकी टेबल नंबर 3, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन वाला।
ये याद है तो आपको सभी फॉर्मूले याद है। कैसे? इसमें आपको ये चीज ध्यान में, ये यहाँ पे आगे देखिएगा, पहले कोस आ गया और ये चीज यहाँ पे आ गई, वो भी माइनस पे। सिमिलर वे में आप इन लोगों को डिवाइड करके टेन हाइपरबोलिक 3x निकाल सकते हो, इनको फाइंड आउट करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। कोस के फॉर्म में टेन साइन करोगे, साइन के और कोस करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, राइट। तो यार मेरे को लगता है आपको ये सारी चीजें जो समझ में आ रही होगी, तो यार आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर अपकमिंग वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आपको बात करेंगे हम टेबल नंबर 5 की। ये टेबल नंबर 4 थी, टेबल नंबर 5 याद रखना है। टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 6 दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ये हमारी आज की जो लास्ट मान लीजिए 6 और 7, उसके बाद मैं आपके साथ दो फॉर्मूले और डिस्कस करूंगा। हाँ जी, बस केवल आपके साथ दो ही टेबल डिस्कस करनी रही हुई है, टेबल नंबर 5 एंड 6। टेबल नंबर 5 में आप कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखो है, 2 sin hyperbolic A cos hyperbolic B, इसका फॉर्मूला बताऊंगा आपको, 2 cos hyperbolic A sin hyperbolic B। इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एक आंसर आंसर में आपकी थोड़ी बहुत वो हो सकती है, आपने कैलकुलेशन गलत किया, बट आंसर सेम आएगा। क्योंकि यार देखिएगा, होने को तो ये भी हो सकता है कि हम इस चीज को ए मान रहे हैं, इसमें भी इस चीज को ए मान ले। सुनिए, यहां पे बी लिखना था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये है साइन 30 हाइपरबोलिक 30 डिग्री कोस हाइपरबोलिक 60 डिग्री 2 है यहां पे। सिमिलर वे में आपके पास ये दिया हुआ है कोस हाइपरबोलिक 60 और साइन हाइपरबोलिक 30। अब आपको भी आंसर डिफरेंट आया, यार कैसे आएगा, ये और ये चीज तो सेम ही है, तो ये तो आप इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन हाइपरबोलिक बी ले लिया इसको, तो इसको साइन हाइपरबोलिक ए ले लिया, इसको कोस हाइपरबोलिक बी ले लिया, बट आंसर सेम आएगा। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, आंसर 100% आंसर सेम आएगा। फॉर्मूले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बस प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे आपको इसको यूज करना है। बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, इतना ही फर्क है, बाकी कोई भी आपको यहाँ पे फर्क देखने को नहीं मिलेगा यार। और यार आपको मैं इसके साथ साथ दो फॉर्मूला बताऊंगा, 2 sin hyperbolic A and sin hyperbolic B, अगर दोनों ही साइन में आ जाए तो, अगर दोनों ही कोस में आ जाए तो। आप क्या क्या करोगे यार, देखिएगा, अगर दोनों आपके कोस में आ जाए तो आपको कोस की टर्म में लेना है ए प्लस बी माइनस कोस हाइपरबोलिक ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस आएगा। सिमिलर वे में आप अगर यहां पे दोनों में साइन आ रहा है, साइन में आएगा माइनस और इसमें आएगा कोस, अगर सिंपल आए तो इसमें आएगा प्लस। राइट, ये थी आपकी टेबल नंबर 5। फिर अब आपको भैया ये आप हमें ये बताइए कि ये चीज जो हम पढ़ रहे थे वो कुछ और थी जनरल टर्म में, भाई यार वो सर्कुलर टर्म थी, ये क्या आपका हाइपरबोलिक फंक्शन है। हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत फर्क रहने वाला, ज्यादा नहीं रहेगा, तो वो थोड़ा बहुत फर्क यहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप में। अगर आपको वो फर्क पता चल गया तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिए, और आप अपना कोई भी सुझाव अगर हमें देना चाहते हैं, आपको कोई कहीं पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या आपको कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेबल नंबर 5 के बाद में हम पढ़े टेबल नंबर 6। टेबल नंबर 6 के बाद जो आने वाला आपका वीडियो लेक्चर होगा, इस वीडियो के बाद में, ये वीडियो आपको 8 बजे प्रिपेयर मिलेगी बिल्कुल, इसके बाद में आपको जो आने वाला लेक्चर मिलेगा, उस लेक्चर में क्या होने वाला है, उस लेक्चर में आपको इस चैप्टर का हाइपरबोलिक फंक्शंस का आपको एक वीडियो में दोनों एक्सरसाइज अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। अप्रोक्सीमेटली मान के चलिएगा वो 50 या 30 से लेकर 50 मिनट की वीडियो बनेगी, और उसमें आपका पूरा चैप्टर क्लियर आउट हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, राइट। हाँ जी, देखते हैं अपना फॉर्मूला नंबर
फॉर्मूला टेबल नंबर सिक्स। एक तो है जी साइन हाइपरबोलिक सी प्लस साइन हाइपरबोलिक डी, इसका फॉर्मूला बताऊ आपको। फिर आपके पास साइन हाइपरबोलिक सी माइनस साइन हाइपरबोलिक डी, कोस हाइपरबोलिक सी प्लस कोस हाइपरबोलिक डी, कोस हाइपरबोलिक सी माइनस कोस हाइपरबोलिक डी। चारों फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 में। इनका यूज 9.2 में आया, 9.1 में इनका यूज बहुत कम है। तो यार ये क्या होता है, टू साइन हाइपरबोलिक सी प्लस डी बाई टू, पता चल गया। फिर होता है आपका कोस हाइपरबोलिक सी माइनस डी बाई टू, राइट। ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर वन। फॉर्मूला नंबर टू, दो पहले कोस आएगा फिर साइन आएगा, सी प्लस डी बाई टू साइन हाइपरबोलिक सी माइनस डी बाई टू, राइट। फॉर्मूला नंबर थ्री, दोनों में कोस आ जाएगा, टू कोस हाइपरबोलिक सी प्लस डी बाई टू कोस हाइपरबोलिक सी माइनस डी बाई टू, राइट। अब इसका आप नेक्स्ट फॉर्मूला देख सकते हो, टू साइन हाइपरबोलिक सी प्लस डी बाई टू साइन हाइपरबोलिक सी माइनस डी बाई टू। चार फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको यहां पे अच्छी तरह से लिख दिए, चार इंपोर्टेंट है। सबसे इंपोर्टेंट आपके ये दो फॉर्मूले रहने वाले हैं, हाँ जी, कोस का और साइन का पॉजिटिव में, ये दो फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर वन और ये फॉर्मूला नंबर टू, दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। यहां पर टिक मार्क कर देता हूं, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो आप इनको अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। तो आपको यहां से अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे इनको सोल्व करना है। तो यार आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों यार अगर आपको इसी समझ में आ गई तो अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और आपका जो भी हमारे लिए रिप्लाई है वो आप रिप्लाई हमारे लिए लीव कर सकते हैं। तो दोस्तों यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले यार मैं आपको एक बात आ दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब नया सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर है तो अनसब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर मिलती रहेगी। बीएससी और कोई भी क्रैश कोर्स आपको इसी चैनल पर दिया जाएगा, और जो दूसरी जो 11th 12th की वीडियोज है वो आपको हमारे नए चैनल पे मिली जाएगी। जल्दी मैं उस चैनल की अनाउंसमेंट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।